हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी सॉल्व अनदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8 फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 9, पेज नंबर 40। एन इलेक्शन वॉज कंटेस्टेड बाई 2 कैंडिडेट्स। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इलेक्शन में 2 लोगों ने भाग लिया, अर्थात चुनाव लड़ा। तो 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, इसका मतलब एक व्यक्ति जीतेगा और दूसरा व्यक्ति हारेगा। तो उस कंडीशन में द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 68,72,403 वोट्स। जो विनिंग कैंडिडेट, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, वह 68,72,403 वोट्स उसने पाया एंड वॉन बाई अ मार्जिन ऑफ 9,83,516। और वह जो है 9,83,516 वोट से जीत गया। हाउ मेनी वोट डिड द अदर कैंडिडेट रिसीव, दूसरे कैंडिडेट्स को कितना वोट मिला। तो जीतने वाला कैंडिडेट्स इतने वोटों से अगर जो है वो जीता है, तो इसका मतलब दूसरा जो कैंडिडेट है उसको इतने वोट्स कम मिले होंगे। तो हम क्या करेंगे, जीतने वाले कैंडिडेट्स को मिले हुए कुल वोट में से जो मार्जिन वोट है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सो वी डू द सॉल्यूशन, वोट्स रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट हाउ मच, 68,72,403। मार्जिन ऑफ विन, कितने मार्जिन से वो जीता, 9,83,516। तो वोट रिसीव बाय अदर कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट द्वारा कुल कितने वोट पाया गया। वोट रिसीव बाय विनिंग कैंडिडेट माइनस मार्जिन ऑफ वोट। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ये प्लेस होल्डर्स चार्ट एक बना लेते हैं। ये हो गया आपका वंस, ये आपका टेंस, ये आपका 100, ये आपका 1000, ये हो गया आपका 10,000, ये लैक, और ये आपका 10 लैक, और ये क्वेश्चन आपका बोरोइंग वाला है। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं। After borrowing, हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज 13-6, ये आपका हो गया The other candidate received 58,88,887 votes. So you check the answer by your answer here, question number 9. Exercise 9, question number 8, 58 lakh,
88,887. Is it clear?